हे फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हो कुछ मेरे धनिये के सीडलिंग्स जो मैंने कुछ ही दिन पहले लगाए थे। गर्मी के दिन कुछ और पास आते जा रहे हैं और हम लोग अपने गार्डन में कुछ नए प्लांट्स भी लगाना चाहते हैं। इसी पर आज का ये वीडियो है कि हम कैसे प्लांट्स को चूज करें अपने गार्डन में लगाने के लिए। जब भी हम कोई बहुत ही अलग सा सुंदर सा पौधा देखते हैं तो हम उसको चाहते हैं वो भी हमारे गार्डन में ऐड हो जाए, बिना ये जाने कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका ओरिजिन क्या है, वो हमारे गार्डन में टिक पाएगा या नहीं, हम उसको ला के लगाना चाहते हैं। ये एग्जॉटिक प्लांट्स दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन इनका कोई रोल नहीं होता हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए। ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो आप नोट करेंगे आपके एरिया के आसपास या किसी पब्लिक गार्डन में या कोई फॉरेस्ट साइट पे आप गए हो तो आपको कुछ प्लांट्स दिखाई देते हैं जो कि बहुत इजीली दिखते हैं, अवेलेबल होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं नेटिव प्लांट्स। इंडिया जो है ब्लेस्ड है ऐसे प्लांट्स से, तो क्यों हम कहीं बाहर से जाके कोई प्लांट्स खरीदें और मंगवाएं, क्यों नहीं हम अपने ही ट्रेजर को यूज करें, उसी को एक्सप्लोर करें और उसी से अपने गार्डन को सजाएं। इस समर सीजन में अगर आप ऐसे नेटिव प्लांट्स अपने गार्डन में लगाएंगे तो आपको कोई हीट वेव की, कोई गर्मी की, लू चलने की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे से अडेप्टेड होते हैं आपके एनवायरनमेंट में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ऐसे प्लांट्स को पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाते हैं आपकी सॉइल में, आपकी मिट्टी में, और उन प्लांट्स को पता है कि यहाँ पे कैसी हवा चलेगी, कब इनको न्यूट्रिशन मिलेगा, कब बारिश मिलेगी। नेटिव प्लांट्स गार्डन में लगाने से आप बीज, बटरफ्लाई की पॉपुलेशन भी इंक्रीज करोगे, और जो आपके घर के आसपास आप छोटी छोटी चिड़िया देखते हो वो भी इन्हीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि एग्जॉटिक प्लांट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, कई बार हम ऐसे प्लांट्स को खरीद के ले आते हैं जो कि हमारे रीजन में कभी उगे ही नहीं, और हम उन्हें बाहर से मंगवाते हैं क्योंकि वो बहुत एग्जॉटिक होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। उसके बाद इनको सेव करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ऐसे प्लांट्स को स्पेशल फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं और ऐसे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स चाहिए होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत डेंजरस है। फ्रेंड्स, अगर आप लोकली उगने वाले प्लांट्स को अपने गार्डन में इंक्लूड करोगे तो इससे आप एक बहुत ही हेल्दी गार्डन बनाओगे जो कि आपको भी अच्छा लगेगा, एनवायरनमेंट को भी अच्छा लगेगा, और आप बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करोगे। कई ऐसे पौधे हैं जो आपके आसपास आपको इजीली मिल जाते हैं, जैसे कि नीम, पीपल, अमलताश, पलाश और बेल जो होती हैं उसके अंदर कृष्ण कमल, ग्रीन चंपा, परिजात, गुल मेहंदी और हम सबका प्यारा पेरीविंकल। इन पौधों को अपने गार्डन में इंक्लूड करो और समर की हीट वेव की, गर्मी की सारी टेंशन भूल जाओ। वीडियो में दी इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर देके जाना। फिर मिलेंगे और भी जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।